नमस्कार, आप देख रहे हैं देश देशांतर खबर स्पेशल। आज की 10 खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरें आज की इस प्रकार हैं। कश्मीर में हाई स्कूलों को खोलने के बाद प्रशासन ने अब सेकेंडरी व हायर सेकेंडरी स्कूलों में वार्षिक परीक्षाएं कराने की तैयारी शुरू कर दी है। राज्य स्कूल शिक्षा विभाग ने 10वीं से 12वीं कक्षा तक के परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि 10 सितंबर तय कर दी है। यह परीक्षा जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा आयोजित की जाएगी। जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन का प्रयास है कि परीक्षा अक्टूबर के अंत या नवंबर के पहले सप्ताह में शुरू हो जाए। बीते साल भी वादी में 10वीं से 12वीं कक्षा की परीक्षाएं अक्टूबर में ही आयोजित की गई थीं। आज की दूसरी खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पुलिस ने बच्चा चोरी के शक में 50 वर्षीय अनुरंजन सिंह की पिटाई मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में पुलिस ने 16 लोगों को अरेस्ट किया है। हालांकि गिरफ्तार आरोपियों के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पूरे मामले में लापरवाही दिखाई है। पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोपी से सही ढंग से पूछताछ नहीं की, साथ ही मामले में उन लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जो वहां उस शख्स की पिटाई में शामिल नहीं थे। बच्चा चोरी की अफवाह पर पिटाई का यह ताज़ा मामला गाजियाबाद के खोड़ा थाना क्षेत्र का है। यह सोमवार दोपहर को कुछ लोगों ने एक शख्स पर बच्चा चोरी का आरोप लगाते हुए गाली गलौज और मारपीट की। इस घटना की सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को थाने ले आई। पुलिस के मुताबिक उस शख्स पर बच्चा चोरी का गलत आरोप लगाते हुए मारपीट की गई। अब आज की अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। सरकार ने मंगलवार को IDBI बैंक में 9000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश को अपनी मंजूरी दे दी है। सरकार का इस कदम के पीछे उद्देश्य बैंक के पूंजी आधार को बढ़ाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में आज हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में सरकार और LIC दोनों द्वारा वन टाइम इन्फ्यूजन फंड्स के साथ IDBI बैंक के पुनर्पूंजीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। अक्सर हर बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होती है, लेकिन इस बार बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी रूस की यात्रा पर जा रहे हैं, इसलिए इस बार कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित की गई है। आज की चौथी खबर, भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट रूप से उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अपने सहयोगियों के साथ चुनाव लड़ने से मना कर दिया है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से छुटकारा पाने के बाद भारतीय जनता पार्टी अब आगामी विधानसभा उपचुनाव में अपना दल को भी दरकिनार करने की तैयारी कर रही है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जिन 13 सीटों पर उपचुनाव होने हैं पार्टी सभी पर चुनाव लड़ेगी। सूत्रों के अनुसार प्रतापगढ़ विधानसभा सीट पर अपना दल के विधायक संगम लाल गुप्ता के लोकसभा चुनाव में प्रतापगढ़ सीट पर भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर जीत दर्ज करने के बाद विधानसभा सीट रिक्त हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अपना दल को इस सीट पर लड़ाने के मूड में नहीं है। इस पर अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली पार्टी 2007 में जीती थी। सूत्रों के अनुसार अपना दल भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, लेकिन उसके नेताओं ने इस पर बयान देने से इनकार कर दिया है। पार्टी बेट एंड बाच की नीति पर काम कर रही है। आज की अगली खबर दिल्ली राज्य से। यहाँ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में अधिवक्ताओं के कल्याण से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विधि विभाग को निर्देश दिया है। केजरीवाल ने ट्वीट किया, मेरी सरकार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। हमने इस साल के बजट में अधिवक्ताओं की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए निर्धारित किए हैं। मैंने इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए विधि विभाग को निर्देश दिया है। वहीं उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना से संबंधित मुद्दों का जल्द समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। अब आज की अगली खबर, नए मोटर व्हीकल एक्ट को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार आमने सामने आ गए हैं। इस कानून को मध्य प्रदेश, राजस्थान और पश्चिम बंगाल द्वारा लागू न किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने सोमवार को स्पष्टीकरण जारी किया। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने बताया, अब यह राज्यों पर निर्भर नहीं है कि इसे लागू करें या ना करें, यह बिल अब कानून बन चुका है, इसलिए सभी राज्यों को इसे हर हालात में लागू करना होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि एक्ट के 93 संशोधनों में 63 को लागू कर दिया गया है और इसे हर राज्यों को मानना ही होगा। यदि राज्य इस एक्ट को लागू नहीं करते हैं तो CAG संबंधित राज्यों को लास्ट स्टेट की श्रेणी में डाल सकता है। अब आज की अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। असम में डॉक्टर चाय बागान में एक बुजुर्ग डॉक्टर पर हुए हमले के विरोध में 24 घंटे की हड़ताल पर बैठे हैं। इस हड़ताल के दौरान डॉक्टर सिर्फ आपातकालीन सेवाएं मुहैया कराएंगे, अधिकारियों ने यह जानकारी दी। जोरहट जनपद में शनिवार को टिकोई चाय बागान के एक अस्पताल में एक बागान कर्मी की मौत के बाद उसके रिश्तेदारों ने 73 वर्षीय डॉक्टर देवेंद्र दत्त की पिटाई की, जिसके बाद उनकी मौत इलाज के दौरान हो गई। भारतीय चिकित्सा एसोसिएशन यानी कि IMA की असम इकाई के आह्वान पर सरकारी, निजी और कंसल्टेशन चैम्बरों के डॉक्टर सुबह 6 बजे से काम पर नहीं हैं, लेकिन वे मरीजों को आपात सेवा मुहैया करा रहे हैं। अब आज की अगली खबर, समाजवादी पार्टी के मुखिया रहे मुलायम सिंह यादव ने सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के समर्थन में
मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलायम सिंह ने कहा कि आजम खान लंबे समय से गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते आए हैं। मुलायम ने कहा कि जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन का मामला उछालकर आजम को फंसाने की कोशिश की जा रही है। आजम ने जौहर यूनिवर्सिटी चंदे के पैसे से खरीदी है। मुलायम सिंह ने आगे कहा कि आजम ने यूनिवर्सिटी निर्माण में सैकड़ों बीघा जमीन खरीदी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने मात्र 2 बीघा जमीन के लिए उन पर 27 मुकदमे दर्ज कर दिए। उन्होंने कहा कुछ बीजेपी के नेता जिनका नाम नहीं ले सकते, उनका भी कहना है आजम खां पर गलत आरोप लगाया जा रहा है, इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता इस मामले पर संघर्ष करें, अगर सरकार नहीं चेती तो बहुत जल्दी आजम खां पर हो रहे अत्याचार को लेकर आंदोलन किया जाएगा। अब आज की अगली खबर खेल जगत से। भारत की अनुभवी महिला बल्लेबाज मिताली राज ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास की घोषणा कर दी है। मिताली 2021 में 50 ओवरों का वर्ल्ड कप खेलना चाहती हैं। 36 साल की मिताली आखिरी बार मार्च 2019 में गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ T20 में उतरी थी। मिताली राज ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले आगामी T20 सीरीज के लिए खुद को उपलब्ध बताया था। तब ऐसा लग रहा था कि अगले T20 विश्व कप से पहले युवाओं पर ध्यान देने के कारण चयनकर्ता मिताली को नहीं चुन सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध 5 मैचों की सीरीज 24 सितंबर से शुरू होगी, जबकि T20 विश्व कप अगले साल फरवरी मार्च में ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा। मिताली राज ने 32 T20 इंटरनेशनल मुकाबलों में भारत की कप्तानी की है। अब आज की अंतिम खबर की तरफ बढ़ते हैं। चक्रवाती तूफान डोरियन कहर बरपा रहा है। डोरियन ने सोमवार को कैरिबियाई देश बहामास में जमकर तबाही मचाई। इसमें 5 लोगों की जान चली गई। बहामास के प्रधानमंत्री ह्यूबर्ट मिनिस ने कहा कि अबाको द्वीप समूह में तूफान ने अभूतपूर्व तबाही मचाई है। उन्होंने कहा कि अब हमारा ध्यान बचाव कार्य पर लगा हुआ है। बताया जा रहा है कि तूफान अब अमेरिका के फ्लोरिडा की तरफ बढ़ रहा है। तूफान की भयंकरता के मध्य दक्षिण पूर्वी अमेरिका के राज्यों फ्लोरिडा, जॉर्जिया और दक्षिण कैरोलिना के तटीय इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के आदेश दिए गए हैं। रविवार रात तक ही इसकी रफ्तार 295 किलोमीटर प्रति घंटा थी। आज के देश देशांतर में इतना ही। बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार।